हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है चित्रकला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर आपके साथ आए हैं वो है अजंता का टॉपिक। अजंता के विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अजंता की गुफाओं के विषय में, कहाँ स्थित है, किसके समय की है, किस गुफा का क्या टाइम पीरियड है, ये सारी जानकारियां आपको देंगे। किस गुफा में कौन से चित्र हैं, समस्त जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और इससे पहले की सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं एक सीक्वेंस में, क्रमबद्ध तरीके से। अगर आपको भी जानने का शौक है कला के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अजंता टॉपिक को। यह आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी हमारी अजंता की गुफाओं की एक तस्वीर, जो है हमारी भित्ति चित्रों की निधि और भारतीय चित्रकला का शास्त्रीय काल की निधि। भारतीय शास्त्रीय चित्रकला अगर हम कहें तो भी कम नहीं होगा। एक हमारी एक धरोहर, एक सांस्कृतिक धरोहर हम कह सकते हैं अजंता के चित्र हैं। और यहाँ इधर देखेंगे इनका कुछ बाह्य स्वरूप इस तरीके से है, अंदर इतना अच्छा आर्किटेक्चर जहाँ मिलता है वो भी अजंता है। तो चलिए हम देखेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हमको एक बहुत ही अच्छी निधि मिलती है, जहाँ चित्रकला के बहुत अच्छे साक्ष्य हैं, जहाँ मूर्ति कला के साक्ष्य हैं, जहाँ स्थापत्य कला के साक्ष्य हैं, जिसे हम कह सकते हैं संपूर्ण कला का अजायब घर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अजंता को। जब हम किसी स्थान के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या जानते हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि वो किस समय की है, उसका समय क्या रहा है और कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं 200 ईस्वी पूर्व से 628 ईस्वी पूर्व के मध्य 628 ईस्वी तक बनी हुई गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इनका निर्माण वैसे शुंग काल से शुरू हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक कार्य या सर्वश्रेष्ठ कार्य जिसके समय में हुआ वो गुप्त काल में हुआ है। तो इन गुफाओं को अगर एक काल में समेटना हो या एक काल से संबंध रखना हो तो गुप्त काल में रखेंगे। बाकी विभिन्न गुफाओं का अलग अलग राजवंशों से संबंध रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी निधि, 30 गुफाओं की निधि एक ही दिन में नहीं बन जाती। इसमें कई राजवंशों का हाथ है, कई राजवंशों का सहयोग है। और अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थी या बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफाओं के चित्र, चलिए स्थित कहाँ है ये भी देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 106 किलोमीटर दूर या फिर 96 किलोमीटर भी कहीं कहीं मिलता है, तथा उत्तर में जलगांव रेलवे स्टेशन से 61 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पर आप स्थान के हिसाब से रखिए, जिले से होगा तो ज्यादा होगा, मतलब जिला बड़ा होता है तो 106 किलोमीटर दूर। अगर हम आ जाएं रेलवे स्टेशन, भाई जिले से चलेंगे एक रेलवे स्टेशन तो आया जलगांव रेलवे स्टेशन, जहाँ पर 61 किलोमीटर दूर, थोड़ा कम। फिर आते हैं अजंता से, अजंता एक स्थान है। अब यहाँ से स्थान है मतलब यहाँ पर हम नजदीक बढ़ रहे हैं तो थोड़ा और कम दूर, ठीक है, तो मतलब 11 किलोमीटर, 61 और 11 किलोमीटर। फिर यहाँ पर आ जाते हैं खुर्दपुर गांव। अब गांव आ गया है मतलब हम अजंता तक पहुंचने वाले ही हैं, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर, 106, 61, 11 और 3, ये संख्याएं आपको याद रखनी है। और याद कैसे रखनी है कि कहाँ से कितनी दूर है, तो जिला सबसे बड़ा होता है तो जिला। फिर आते हैं हम एक रेलवे स्टेशन पर, किसी भी जिले में आए वहां रेलवे स्टेशन पर आए तो मतलब थोड़ी दूरी कम हुई। फिर आए एक स्थान विशेष पर, अजंता पर। फिर आए हम यहाँ पर, कहाँ आपके, अजंता से रेलवे स्टेशन के बाद अजंता आए और यहाँ से हम आ गए गांव में, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है वो है आपको गुफाओं की संख्या कितनी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है तो अगर 29 दिया है तो 29 नहीं होगा, क्योंकि बता दूं एनसीईआरटी में इन गुफाओं की संख्या 29 शो कर रहा है, क्योंकि गुफा संख्या 15 ए की खोज बाद में हुई और जिसके कारण गुफाएं हो गई 30। पहले 29 थी, अब खोज होने के बाद 30 गुफाएं हो गई हैं, तो हर स्थान पर अब 30 सही कराई जाती हैं और यह इसका कारण है 15 ए। अगर ऑप्शन में 30 नहीं है तो आप 29 को सही करें, बाकी 30 गुफाएं हैं। अब अजंता में दो प्रकार की गुफाएं हैं, एक तो चैत्य गुफाएं हैं, दूसरी बिहार गुफाएं हैं। दो टाइप में बांटी गई हैं अजंता की गुफाओं के चित्रों के प्रकार के, अजंता की गुफाओं के निर्माण के आधार पर, उनके स्थान के आधार पर इन गुफाओं को दो भागों में बांटा गया, एक तो चैत्य गुफाएं, दूसरी
बिहार गुफाएं। अब चैत्य गुफाएं वो है जहाँ देखिए ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे, यहाँ बौद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो कहीं रहते थे और कहीं पूजा करते थे। तो चैत्य गुफाओं में ये क्या करते थे, पूजा करते थे। इन्हें दारोब या पूजा स्थल कहा जाता है। दारोब किसे कहा जाता है, पूजा स्थल को कहा जाता है, या चैत्य गुफाओं को कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट की, ये क्यों भाई ये पूजा स्थल कही गई, इन गुफाओं में लगभग स्तूप या कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पूजा करने ये लोग आते थे। तो पूजा करने आते थे तो मतलब रहते कहाँ थे, बिहार गुफाओं में। बिहार मतलब जिनको कहते संगाराम, यहाँ आराम करते थे, विश्राम करते थे, रहना खाना पीना सोना जो भी था वो यहाँ ये लोग करते थे, मतलब बिहार गुफाओं में करते थे। अब हम आ जाते हैं कौन सी गुफाएं और कितनी, तो आपकी पांच चैत्य गुफाएं हैं। पांच में कौन कौन सी है, 9, 10, 19, 26, 29। तो यहाँ पर 1000 लिख गया है जबकि 100 BC होगा। गुफा संख्या 9 100 BC की है, मतलब ईस्वी पूर्व की है। गुफा संख्या 10 200 BC की है, मतलब 200 ईस्वी पूर्व की है। गुफा संख्या 19, 26 और 29, 26 जो है सबसे नवीन चैत्य है। अब यहाँ पर आ जाए, देखिए संख्या के हिसाब से तो ये ज्यादा लग रही है, लेकिन सबसे बाद में बना चैत्य जो है वो गुफा संख्या 26 है। मतलब चैत्य गुफा नवीन नहीं है, चैत्यों में सबसे नवीन गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 26 है। गुफा संख्या 29 अपूर्ण चैत्य है। अब सबसे प्राचीन कौन सी है, तो गुफा संख्या 10 को हम सबसे प्राचीन चैत्य मान सकते हैं इसके निर्माण काल की दृष्टि से, क्योंकि 200 BC की है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ मिले 5 क्वेश्चन कि चैत्य गुफाएं कितनी है, 5 है। चैत्य गुफाओं को क्या कहते हैं, पूजा स्थल या दारोप कहते हैं। सबसे प्राचीन चैत्य कौन सी है, गुफा संख्या 10 है। सबसे नवीन चैत्य कौन सी है, आपकी गुफा संख्या 26 है। और कौन सा चैत्य अपूर्ण है, तो याद रखना गुफा संख्या 29 जो है अपूर्ण चैत्य है। इसके बाद आ जाते हैं आपकी 25 बिहार गुफाएं हैं जिन्हें संगाराम कहा जाता है। 12, 16, 17, 2, 1। 12 सबसे प्राचीन बिहार है, यहाँ पर बाई मिस्टेक 16 के पास लिख गया है। सबसे प्राचीन बिहार गुफा संख्या 12 है, वैसे 13 गुफा सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है, ठीक है, और सबसे प्राचीन बिहार में तो 12 की बात आती है। गुफा संख्या 16 जो 475 से 500 AD इसका समय माना जाता है, चाहे इसके चित्रों का समय मान लीजिए। सबसे प्राचीन बिहार जो है आपकी 12 है, इसके आगे ये नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। गुफा संख्या 17 भी 475 से 1500 AD के मध्य मानी जाती है। ये दोनों गुप्त काल से संबंध रखती हैं, तो ये काफी अच्छी गुफाएं हैं, इनमें चित्र भी काफी ज्यादा मिले हैं। गुफा संख्या 2 आपकी 626 AD के मध्य बनी हुई, मतलब ईस्वी में बनी हुई है। गुफा संख्या 1 628 ईस्वी में बनी हुई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बता दूं कि गुफा संख्या 1 सबसे नवीन गुफा है। कौन सी सबसे नवीन गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 1 है, लेकिन सबसे नवीन चित्र किसके हैं, तो गुफा संख्या 2 के सबसे नए चित्र हैं या सबसे बाद में बने हुए चित्र हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए अब हम इन गुफाओं की स्थिति पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से देख लेते हैं। अब तक हमने इनकी दूरी देखी थी, अब ये किस पर्वतमाला में है, कहाँ है, ये सारी चीजों को देख लेते हैं। तो जिस पर्वतमाला में है, अगर हम कहें तो अजंता की गुफाएं विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वत पर। पर्वत कौन सा है, विंध्याचल है। फिर पर्वतमाला सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। और श्रेणी आपकी इंद्राद्री है। मतलब आप एक चीज ध्यान रखिए कि संपूर्ण पर्वत जितना भी, मतलब पूरा पर्वत है, इसे क्या कहेंगे, पर्वत हो गया आपका विंध्याचल। इसमें पर्वतमाला है वो आपकी सतपुड़ा है, और श्रेणी मतलब एक स्थान स्पेशल जो थोड़ी कुछ और इसमें भी स्पेशल, तो इंद्राद्री श्रेणी है। और यहीं पर एक नदी है जो है बागुरा नदी के किनारे स्थित है, या इनके पीछे जो है बागुरा नदी बहती है। ये अर्धचंद्राकार है, आप सभी को पता है, या औंधे कटोरे की तरह है अर्धचंद्राकार इन गुफाओं का आकार है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जब यहाँ देखेंगे तो घुमावदार ये गुफाएं हैं, घोड़े की नाल की तरह हम कह सकते हैं, इस तरीके से इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। हर श्रृंगार के वृक्षों से आच्छादित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हर श्रृंगार के वृक्ष काफी खूबसूरत फूलों वाले होते हैं, बहुत ही सुंदर। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये हर श्रृंगार के पेड़ माने जाते हैं। इधर इधर कुछ इस तरीके के ये हर श्रृंगार के फूल होते हैं, और ये आप देखें तो हर श्रृंगार के वृक्षों से आच्छादित है, या उनसे ये घिरी हुई गुफाएं हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 250 फीट है। जब ऊंचाई की बात करें, ये 250 फीट ऊंची
या 75 किलोमीटर ऊंची है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी में 480 मीटर या 600 गज, गज में और मीटर में अंतर होता है, 480 मीटर या 600 गज या 116 फीट की दूरी में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। मतलब इनकी गणना कैसे की गई है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी गणना की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते जनता की गुफाओं की गणना किस तरफ से की गई है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, ये होता है आपका मैप। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी गणना की गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में कि कौन सी गुफा कब है या किस काल से संबंधित है, इनको भी देख लेते हैं। तो गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये 6 गुफाएं आपकी हीनयान से संबंध रखती हैं या हीनयान से संबंधित हैं। 10, 9, 8, 12, 13 ये गुफाएं जो हैं आपकी, ये 200 ईस्वी से प्रथम शताब्दी के मध्य, 200 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के मध्य बनी, जो शुंग काल तथा सत्वाहन काल के बीच में बनी हुई है या शुंग तथा सत्वाहन काल में इनका निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुफा संख्या 17, 16, 4, 6, 11, 15 ये गुफाएं 350 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य बनी, गुप्त तथा वाकाटक काल में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम पीरियड है अजंता की गुफाओं की दृष्टि से यही है, क्योंकि गुफाओं का निर्माण कराते हैं वाकाटक और चित्रों का निर्माण गुप्त राजा करवाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गुफा संख्या 19, 26 और 12 ये 3 गुफाएं 500 AD से, सॉरी गुफा संख्या 19, 26, 1 और 2 ये आपकी 500 से 128 ईस्वी के मध्य बनती हैं, जो वाकाटक तथा चालुक्यों के समय में बनवाई जाती हैं और उनके चित्रों का निर्माण होता है। अब गुफाओं का निर्माण क्रम किस तरीके से अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं, जब आप ये देखेंगे तो सबसे पहले गवाक्ष बनाया जाता था, फिर छत, फिर खंभे, फिर भित्ति, फिर प्रवेश द्वार। मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। गवाक्ष, छत, खंभे, भित्ति, प्रवेश द्वार, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अजंताओं की गणना, अजंता के चित्रों की गणना पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, ये मैंने आपको पहले ही उल्लिखित कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे की जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए टू वी कंटिन्यू। हम आपको ये सारी अजंता के विषय में सारी विस्तृत जानकारी पॉइंट बाई पॉइंट आपको देंगे। हर गुफा के चित्रों के विषय में, किस गुफा का निर्माण कब हुआ, ये सारी जानकारी अगर आपको देखनी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।